थाना क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस रोड में बीती रात अज्ञात चोरों ने स्वर्ण व्यवसायी की दुकान के शटर को तोड़कर लगभग 50 लाख रुपए के स्वर्ण आभूषण की चोरी के वारदात को अंजाम दिया। स्वर्ण व्यवसायी कुमार ज्वेलर्स के प्रोपराइटर राजकुमार स्वर्णकार ने बताया कि बुधवार की सुबह 4 बजे हमें जानकारी मिली कि दुकान का शटर टूटा हुआ है। दुकान पर आकर देखा तो शटर पूरी तरह टूटा हुआ था। जाकर अंदर देखने पर पता चला कि दुकान में रखे तिजोरी को पलट कर चोरों ने उसे काट डाला और उसमें रखे सभी महंगे जेवरात गायब। सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, कोई भी सामान अपने जगह पर नहीं था। इस बात की जानकारी सिंहेश्वर पुलिस को दी गई। इसके बाद थानाध्यक्ष पहुंचकर छानबीन करने लगे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने फॉरेंसिक जांच की लाने की मांग करने लगे, जिसके बाद थानाध्यक्ष बड़े पदाधिकारी को सूचना देते हुए जल्द से जल्द जांच टीम आज आने की बात कही। इस बीच थानाध्यक्ष ने दुकान को रस्सी से घेर दिया। इधर घटना से आक्रोशित लोगों ने सिंहेश्वर मधेपुरा मुख्य मार्ग शर्मा चौक को जाम कर दिया। बड़ी मशक्कत के बाद समझाने बुझाने पर जाम को हटाया गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर SDPO अजय नारायण यादव ने पहुंचकर मामले की जानकारी ली और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात कही। वहीं घटनास्थल पर राजद विधायक चंद्रहास चौपाल, प्रखंड प्रमुख इश्तियाक आलम और अरविंद कुमार प्रांसुका ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्वर्ण व्यवसायी को ढांढस बधाया और कार्रवाई करने की मांग की। बताइए कैसे घटना हुई? हम सोए हुए थे 4 बजे सुबह में, यहाँ से चौकीदार गया, नेपाली पुलिस गया कि आपके दुकान में डकैती हो गया, आए देखे शटर टूटा हुआ था, पूरा सामान अस्त व्यस्त है, सभी सामान गायब चला गए थे। थाना प्रशासन भाव आए, दुकान लोक कर दिए, दूसरे मंत्री जी आ रहा है, जाँच टीम आ रहा है, बस अंदाजा तो नहीं कर सकते कितना गया है, क्या दुकान खुलने के बाद ही पता चलेगा। कब की घटना है? आज रात सुबह, सुबह की घटना है, 2 से 4 बजे के बीच। किस चीज के दुकान में चोरी हुई है? ज्वेलरी की दुकान, सोना चांदी की दुकान, ज्वेलरी की दुकान। क्या नाम हुआ आपका? घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। आप प्रशासन को टाइट कीजिए, लेकिन रात में हम तो मोकामा में थे, अचानक राजकुमार जी के सदर खोल के सोना चांदी का रुपये के 500 लाख का उनका जेवरात चोरी कर लिया। और मेन बाजार में, पुरानी बाजार में ये दुकान है, ये बड़ी दुखद घटना है, इस तरह घटना नहीं होना चाहिए। और अभी हम थाना अध्यक्ष को बुलाए अरुण जी को, और इन्होंने आश्वासन दे कि बहुत जल्दी हम चोर तक पहुंचेंगे। SP साहब से भी बात किए हैं और DM से बात करके अविलंब हर चौक चौराहा पे CCTV कैमरा लगाने का प्रयास करेंगे।